पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख अगर बिखर भी जाए तो गम मत करना। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है आज जिन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि उन्होंने क्या कीर्तिमान स्थापित किया है। सबसे पहले देवांश, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। थैंक यू। देवांश, आपने क्या कीर्तिमान स्थापित किया, क्या किया है आपने? नहीं, मैंने सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स क्वालिफाई करा है। अच्छा, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप व्हील चेयर पे हैं, क्या दिक्कतें हैं आपको? जी, मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज है, जो कि जिसमें पावर कम हो जाती है सारे मूवमेंट्स की। आप अपना रोल मॉडल किसको मानते हैं? मैं अपना रोल मॉडल द एस्ट्रोफिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस को मानता हूं। अच्छा, देवांश, हर किसी का सपना होता है, आज सीए बन गए आप, तो देवांश का सपना क्या है? ऑब्वियसली एक सीए बन गया हूं, तो कि मेरा एक सपना ये है कि जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम्स थी और कोचिंग नहीं जा पाया और प्रॉब्लम्स थी और मैं गाइड, मेरे पास गाइडेंस की बहुत कमी थी, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं जितने और बच्चे हैं जो आगे आ रहे हैं, उन जो जिनको प्रॉब्लम है, कोचिंग नहीं मिली और प्रॉब्लम है, मैं उनको गाइड करूं कि कैसे अपनी सेल्फ स्टडी करके आगे सीए बने। इनके पिताजी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या सपने रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका ईटीवी भारत पे। थैंक यू वेरी मच। और आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि आपके देवांग ने सीए क्वालिफाई किया। जी, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आज मुझे लोग कम और देवांग के पिता के रूप में ज्यादा मुझे जानते हैं। थैंक यू वेरी मच। किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी? देखिए, इनके चूंकि व्हील चेयर पर हैं और ये चल नहीं सकते, तो एसेसिबिलिटी की बहुत बड़ा इश्यू है। ये कहीं पहुंच नहीं पाते हैं, किसी कोचिंग वालों ने इनको एडमिशन नहीं दिया। अब ये बगैर कोचिंग के इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना असंभव जैसी बात है। रूल बना हुआ है कि जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, गार्डन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, इनमें या तो प्लेटफॉर्म हो, रैंप हो, लिफ्ट हो, लेकिन एसेसिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन उन नियमों को सरकारी तंत्र सख्ती से पालन नहीं कर रहा है, जिससे कि इस तरह के बच्चे घरों में कैद हो रहे हैं। ये मेरी बहुत बड़ी पीड़ा है। अच्छा सर, आप डॉक्टर भी हैं, इस डिजीज का क्या मतलब किस तरीके से इलाज है या इसमें क्या हो सकता है? मैं इस डिजीज के इलाज के लिए तो डेफिनेटली रिसर्चेस चल रही हैं, लेकिन डिजीज के होने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उनके इंतजाम को कर लिया जाए और उसे लिमिटेशन ना माना जाए, उसके अपने को कहीं भी बाधित ना महसूस करें। और मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, मेरी जिंदगी में तो यही एक लक्ष्य है। और अगर आपका मन पॉजिटिव है तो आप हर विजय प्राप्त करेंगे। इनकी माँ भी साथ में है हमारे, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है आज सीए कंप्लीट किया है देवांश ने। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है ईटीवी भारत में। थैंक यू वेरी मच। मैम, कैसा लग रहा है आप आज देवांश ने इसी सीए क्वालिफाई किया है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आई एम फ्लोटिंग ऑन द फ्लोर। मुझे ये नहीं लग रहा है मेरे पैर जैसे जमीन पे नहीं पड़ रहे हैं और मुझे लग रहा है मैं हवा में उड़ रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। एज अ माँ, आपको मतलब देवांश अभी व्हील चेयर पे हैं, एक पीड़ा तो होती होगी, लेकिन आप कैसे मोटिवेट करती थी? मैंने अपने दोनों बच्चों को ये कोशिश करी सिखाने की कि इंटेलिजेंट वो नहीं है जिसके नंबर ज्यादा हैं, इंटेलिजेंट वो है द पर्सन हु कैन यू बेस्ट यूज देयर रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम। जी, तो यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन की अगर देवांग के लिए दो लाइनें कहूँ तो गलत नहीं होंगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। धीरज कुमार, ईटीवी न्यूज़, कानपुर।